जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोलता सिवा न्यूज में। बता दें कि इन दिनों पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। जिस तरह से बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो बिहार की जो राजनीति है काफी चर्चे में है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले महागठबंधन की सरकार थी, अब इस प्रकार से पूरे बिहार की जो राजनीति है पूरे देश में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में अब हम बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट की। जिस तरीके से सिवान लोकसभा सीट जो है हमेशा से लोकसभा चुनाव में काफी चर्चा में रहा है। बता दें कि सिवान में कल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आगमन हुआ था जन विश्वास यात्रा को लेकर। जिस तरीके से तेजस्वी यादव पूरे बिहार में 3800 जिला में जन विश्वास यात्रा की रैली निकालकर जगह जगह जाकर जनता को संबोधित कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से पूरे देश की जो राजनीति है इन दिनों खड़बड़ाई हुई इसलिए है क्योंकि अभी तक चुनाव का जो है घोषणा नहीं हुआ है कि चुनाव कब तक होगा, कोई डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। हालांकि कुछ चैनलों पर यह चल रहा है कि जो लोकसभा जो चुनाव है 7 चरण में होना तय है। इस तरीके के पूरे देश में अलग अलग चैनलों पर यह चल रहा है। हम बात करेंगे बिहार की एक सीट सिवान लोकसभा की, जो कि हमेशा से बिहार के लिए हॉट सीट माना जाता रहा है। पहले सिवान में पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शाहुद्दीन साहब यहाँ के सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद ओम प्रकाश यादव 2 बार सांसद रहे और हाल ही में प्रेसिडेंट में जेडीयू के सांसद माननीय कविता सिंह जी भी हैं। और जिस तरीके से सिवान की चर्चा हो रही है, आपको बता दें कि कल तेजस्वी यादव का सिवान में आगमन हुआ था और उसी दिन पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शाहुद्दीन साहब की पत्नी यानी हेना साहब भी एक जगह पे दौरे में गई थी। यानी हेना साहब जमालहता के दौरे पे गई हुई थी, जो कि जमालहता का जो चर्चा है पूरे बिहार में हो रहा था। बहुत सारे लोग कंपटीशन भी कर रहे थे कि तेजस्वी यादव की रैली में ज्यादा भीड़ होगी या हेना साहब की रैली में ज्यादा भीड़ होगी। बता दें ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हेना साहब की रैली में लगभग 200 से 400 की गाड़ियों का यह काफिला है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा की संख्या में जो साहब समर्थक जो लोग थे वो लोग भीड़ इकट्ठा किए हुए थे और तेजस्वी यादव की रैली में भी भीड़ थी। और इस तरीके से तेजस्वी यादव जब सिवान आते हैं तो उनके जबान से डॉक्टर मोहम्मद शाहुद्दीन साहब के बारे में एक शब्द भी नहीं निकल पाता है। मीडिया ने बहुत बार पूछने की कोशिश की लेकिन तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर नकार दिया। तेजस्वी यादव बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम A to Z की पार्टी है, यानी सभी के लिए हम कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए सब बराबर है। वो अपने बयान में इस तरह के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कल हेना साहब का जमालहता पे दौरा हुआ था और दौरा में कोई राजनीतिक टिप्पा टिप्पणी उन्होंने नहीं की, सीधे तौर पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया कि आने वाला समय तय करेगा, आने वाला वक्त बताएगा कि हम क्या निर्णय लेंगे और हम जो भी निर्णय लेंगे वो जनता के समक्ष लेंगे, जनता के साथ लेंगे। इस तरीके के बयान देती हुई नजर आई हिना साहब, जो कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शाहुद्दीन साहब की पत्नी है। सिवान लोकसभा हमेशा से चर्चा का विषय बना रहता है। इस बार देखना यह बाकी होगा कि महागठबंधन से कौन कैंडिडेट होता है। हालांकि पहले महागठबंधन से हेना साहब हुआ करती थी, लेकिन अभी हेना साहब न्यूट्रल है, उनका अभी तक कोई भी पार्टी से लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। दिलचस्प बात यह होगी कि एनडीए बनाम महागठबंधन होगा या एनडीए बनाम निर्दलीय होगा या महागठबंधन बनाम निर्दलीय चुनाव होगा। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनडीए का अपना कैंडिडेट होगा, महागठबंधन का अपना कैंडिडेट होगा। हेना साहब के तरफ सारे लोगों की नजर टिकी हुई है कि इनका आखिर बयान क्या आता है या क्या स्टैंड लेती है, आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल बने रहिए खबरों के साथ, अगर कोई भी जानकारी हमें मिलती है इस तरह के तो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।